वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपल्स पावर अलायंस के प्रमुख हैं। उनकी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना यानी कि जेवीपी पिछले 50 सालों से ज्यादा वक्त से श्रीलंका की राजनीति में एक्टिव है। ये पहला मौका है जब उसे सत्ता मिली है। श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कुल वोट का 50% पाना जरूरी होता है। पहले राउंड की गिनती में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले। फर्स्ट राउंड में अनुरा कुमार दिसानायके को 42.31% और विपक्षी सजीत प्रेमदासा को 32.76% वोट मिले। इसके बाद दूसरे राउंड की गिनती हुई जिसमें दिसानायके को जीत मिल गई। अनुरा कुमार दिसानायके की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर अनुरा कुमार दिसानायके को बधाई। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पीएम के बधाई संदेश का जवाब देते हुए दिसानायके ने लिखा, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता से सहमत हूँ। हम साथ मिलकर अपने लोगों के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन उनकी पार्टी का इतिहास कुछ और ही कहता है। दिसानायके की पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना जेवीपी कभी भारत से इतना चिढ़ गई थी कि भारतीय सैनिकों पर हमले और भारतीय सामानों का बहिष्कार तक उसने कर दिया था। इसी कहानी को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1987 में श्रीलंकाई तमिल और सिंहलियों के बीच बहुत टकराव देखने को मिला। श्रीलंकाई तमिलों ने अलग तमिल इल्म देश की मांग शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि बहुसंख्यक सिंहली उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। इसको लेकर तमिलों और सिंहलियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। तमिलों की अलग देश की अगुवाई लिट्टे कर रहा था। आरोप ये लगा कि भारत खास करके दक्षिण के नेता लिट्टे की चोरी छिपे मदद कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। दक्षिण की पार्टियों का केंद्र पर भी दबाव था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने श्रीलंका सरकार से बातचीत की और दोनों देशों के बीच एक शांति समझौते का रास्ता बना दिया। इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड के तहत श्रीलंका की केंद्रीय सरकार को कुछ शक्तियां प्रांतों को ट्रांसफर करनी थी और तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना था। इसके एवज में तमिल उग्रवादियों खासकर लिट्टे के लड़ाकों के समर्थन की बात भी थी। भारत और श्रीलंका के बीच जब शांति समझौता हुआ तो इसका भारी विरोध शुरू हो गया। श्रीलंका के लोगों खासकर सिंहलियों को लग रहा था कि भारत उनके आंतरिक मामले में दखल अंदाजी दे रहा है। जेवीपी जैसी पार्टियां ही इस चीज को हवा दे रही थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब इसी समझौते के लिए कोलंबो पहुंचे तो वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और आगजनी शुरू हो गई। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जयवर्धने के घर में भी आग लगा दी गई। राजीव गांधी को किसी तरह हेलीकॉप्टर से उस जगह ले जाया गया जहां समझौता था और जहां पर दस्तखत होने थे। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF जब श्रीलंका पहुंची तो उसके खिलाफ भारी विरोध शुरू हो गया। अगस्त 1987 बीते बीते धुर मार्क्सवादी लेनिनवादी जनता विमुक्ति पेरामुना यानी कि JVP ने श्रीलंका सरकार और भारतीय शांति सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। वो सरकारी कर्मचारियों से लेकर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के सैनिकों को निशाने बनाने लगे। JVP की गुरिल्ला यूनिट इंडियन सोल्जर्स को चुन चुन कर टारगेट कर रही थी। 1988 आते आते विद्रोह चरम पर पहुंच गया। JVP ने भारतीय सामानों के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया और इससे आर्थिक झटका भी लगा। भारतीय सैनिकों को जाफना और श्रीलंका के दूसरे इलाकों की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो दो तरफ से हमले झेल रहे थे, एक तरफ JVP जैसे संगठन थे तो दूसरी तरफ लिट्टे के उग्रवादी। श्रीलंका में शांति बहाली की कोशिश में ही 1200 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उसी JVP के हाथ में श्रीलंका की सत्ता है। अनुरा कुमार दिसानायके 9वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हालांकि वो JVP के संस्थापकों जैसे कट्टर नहीं है। दिसानायके नरम माने जाते हैं और संबंधों को सुधारने की भी बात करते हैं। वो इसी साल फरवरी में नई दिल्ली आए थे और उनका रेड कार्पेट स्वागत भी किया गया था। दिसानायके भ्रष्टाचार विरोधी नेता माने जाते हैं और खुद को गरीब तबके की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर पेश करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो अपनी पार्टी के इतिहास को बदल पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।